देश में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, धीरे धीरे नदियों का पानी बुंदेलखंड, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में नीचे उतर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम अब साफ होने की उम्मीद है। कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर जारी है। नदी अब तमकुहिराज तहसील के और अलीदाग गांव के पास बंधे पर कटान कर रही है। नदी की धारा ने कई घरों को अपने आगोश में ले लिया, कई घर नदी की धारा में विलीन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में ढील देने वाले 2018 के अपने फैसले के खिलाफ केंद्र की समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पिछले साल दिए गए 2 जजों की बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। सहारनपुर में रेत खनन के आवंटन में गड़बड़ियों से जुड़े मामले में CBI की सहारनपुर, देहरादून और लखनऊ में करीब 11 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, जबकि कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज 74वां जन्मदिन है। 1945 में आज ही के दिन कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ था। राष्ट्रपति के जन्मदिन पर कई गणमान्य लोगों ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया है कि गांधी जयंती के अवसर पर 36 घंटे का विशेष विधानमंडल सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तय किए गए सतत विकास के 17 लक्ष्य इसके विषय होंगे। शाहजहांपुर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पहले कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इसके चलते गांधी पार्क का लोकार्पण करते हुए उन्होंने शहरवासियों को संकल्प दिलाकर स्वच्छता अभियान से जोड़ा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बाराबंकी में बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब पहले से सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। जमीनें कब्जाने के मामले में फंसे सांसद आजम खां सोमवार को SIT के सामने पेश हुए। COCT ने उनसे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। आजम खां ने सवाल अधिक होने के कारण जवाब देने के लिए लिखित रूप से 4 दिन का समय मांगा। 4 अक्टूबर को देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच पटरियों पर दौड़ेगी। मुंबई गोवा के बाद ये दूसरी तेजस है जो लखनऊ से दिल्ली मंगलवार को छोड़कर 6 दिन चला करेगी। बरेली में कल एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फरीदपुर थाना क्षेत्र के Z गांव के पास फोम की इस फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से राज्य सरकार सजग हो गई है, इसलिए सस्ता प्याज बेचने के लिए की गई है पहल। मुख्य सचिव ने कम कीमत पर जनता को प्याज उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में विक्रय केंद्र खोलने के दिए निर्देश। बहराइच में लगातार प्याज के कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सस्ते दर पर ग्रामीणों को प्याज उपलब्ध कराने की नियत से बहराइच जिला प्रशासन द्वारा शहर के 3 मुख्य चौराहों पर स्टाल लगाकर बाजार से आधे दाम पर प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क को हवा में ही पटखनी देने में सक्षम है। देश को हर वर्ष आगरा एयरवेज 13,000 जाबाजों की टोली मुहैया करा रहा है। एयर रिफ्यूलिंग के लिए महत्वपूर्ण इस एयरबेस की पहचान आगरा एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। 1 अक्टूबर से बैंक ऑफ बड़ौदा बरेली मेरठ मंडल में किसानों को वित्तीय सहायता के साथ ही स्वयं के स्वास्थ्य, पशु और मृदा स्वास्थ्य को जानने समझने और वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ौदा किसान पखवाड़े का आयोजन करने जा रहा है।